Hello everyone, welcome. In this video today we would be using Ursina engine to create snake game. और मैं जानती हूँ आप excited हो इसे बनाने के लिए. So without any further delay, first let us understand कि हमारा goal क्या है और once we have understood it, हम लोग code part की towards move करेंगे. So let's start. So guys, we are trying to make a snake game today. Okay? तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा board होगा. वहाँ पे देखिए, बेसिकली स्नेक गेम में क्या होता है, हमारे पास एक स्नेक होता है और उसे फूड मिलता है, ठीक है. वो फूड को जैसे ही खाता है वो ग्रो करता है, राइट. और फिर हमें इसी से बचना होता है, क्योंकि जितना वो बड़ा होता रहता है उतना डिफिकल्ट हो जाता है उसे हैंडल करना. क्योंकि अगर स्नेक की हेड और टेल ने एक दूसरे को टच कर लिया तो हम गेम को हार जाएंगे. और फूड भी रैंडम पोजीशंस पे आता है, मतलब अगर एक टाइम पे फूड यहाँ है तो क्या पता दूसरी बार वो यहाँ हो. तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू मेक श्योर कि कभी हेड और टेल टच ना हो, साथ ही साथ स्नेक कभी स्क्रीन से बाहर ना जाए. क्योंकि अगर स्नेक स्क्रीन से बाहर चला गया तब भी हम गेम हार जाएंगे, और अगर उसके हेड और टेल ने भी एक दूसरे को टच कर लिया तब भी हम गेम हार जाएंगे. सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्नेक गेम. अब इसे थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं गेम के हिसाब से जो आज हम बना रहे हैं. वी वुड हैव अ बोर्ड, वहाँ पे हमारे पास एक एप्पल की इमेज होगी, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में स्नेक होगा. स्नेक जब भी इस एप्पल को ईट करेगा उसका साइज ग्रीन कलर में ग्रो करेगा. तो मतलब यहाँ पे नीचे की साइड ग्रीन कलर से वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है. और वो बार बार ग्रो करेगा, ठीक है. मतलब जैसे उसने एक और एप्पल खाया, यहाँ पे आ गए, ठीक है. फिर उसमें और ग्रीन आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो पहले ग्रीन था वो पर्पल हो जाएगा, ठीक है. तो मतलब जो न्यू पोर्शन ऐड हो रहा है, जो भी नया पोर्शन ऐड हो रहा है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होगा. ये है हमारा हेड और ये है हमारी टेल. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्नेक गेम जो आज हम बनाने जा रहे हैं. हमें एप्पल्स को ईट करना है ताकि हमारा स्कोर बढ़े आगे, और हमें मेक श्योर करना है कि स्नेक ना ही स्क्रीन के बाहर जाए और ना ही उसकी हेड और टेल एक दूसरे को टच करे. क्योंकि हेड और टेल ने अगर एक दूसरे को टच कर लिया देन वी हैव लॉस्ट द गेम. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आज हम करने जा रहे हैं. और मैं जानती हूँ आप एक्साइटेड हो इसे करने के लिए. सो लेट्स सी दैट नाउ. तो गाइज, आई एम यूजिंग उर्सिना इंजन. आप उर्सिना को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आप पाई गेम को नहीं कर सकते. यू गाइज नीड टू इंस्टॉल इट, और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप इसे इम्पोर्ट करके बिल्कुल पाई गेम जैसे यूज़ कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे उर्सिना इसलिए यूज़ कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो इंस्टॉल्ड है. तो यहाँ पे उर्सिना को मैंने इम्पोर्ट करा और रैंडम को भी इम्पोर्ट करा. रैंडम को क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एप्पल है, जो फूड है, वो रैंडम पोजिशंस पर मूव करता रहेगा, राइट. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेयर नाम की एंटिटी बनाई है जहाँ पे मैंने प्लेयर डिक्लेयर करा, दिस इज द स्नेक, ओके. जो एक क्यूब है, ब्लैक कलर की क्यूब के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जो बॉडी है वो कैसे मूव होगी, वो एक्स और वाई डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में मूव होगी, वो मैंने यहाँ डेफ अपडेट में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ओके, वन मिनट. ओके, नेक्स्ट है कोलिजन. कोलिजन कैसे हो सकता है, कोलिजन हो सकता है स्नेक और एप्पल का, कोलिजन हो सकता है स्नेक का खुद से, मतलब हेड और टेल का कोलिजन, राइट. तो हम लोग यहाँ कोलिजन्स के यहाँ पे हैं. कोलिजन्स में अगर हमने एप्पल को ईट करा है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है. उसके साथ एप्पल जो है हमारा, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि अगर हमने एप्पल को खाया है तो एप्पल ईटन दिखेगा, और हमारा जो ये दिखेगा एप्पल ईट हो गया है ये येलो कलर में डिस्प्ले होगा ताकि हमें पता चले दैट वी हैव इनटेक अ फूड आइटम, ठीक है. एप्पल इसके बाद एक रैंडम पोजीशन पे मूव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो एक अलग पोजीशन पे मूव हो जाएगा, तो एक रैंडम पोजीशन पे मूव हो जाएगा. और उसके बाद न्यू बॉडी क्या होगी, जो क्यूब मेरा इनिशियली इतने साइज का था अब उसमें थोड़ा सा पोर्शन और ऐड होगा. क्यों ऐड होगा, क्योंकि यही तो गेम का कॉन्सेप्ट है कि जितना मैं फूड इनटेक करूंगी उतना मेरे स्नेक का साइज ग्रो करेगा, राइट. तो न्यू बॉडी के लिए मैंने एक छोटी सी एंटिटी बनाई, उस एंटिटी में भी मैंने स्पेसिफाई करा है कि वो एक क्यूब है, और क्यूब का कलर क्या है इस बार, ग्रीन. ऊपर इनिशियल जो क्यूब था जो मेरा था वो ब्लैक था, और अब जो नया क्यूब ऐड होगा वो होगा ग्रीन कलर का, ठीक है. तो दैट इज हेड एंड टेल, तो जैसे मैंने आपको ऊपर स्पेसिफाई कर दिया था. और इसको हम लोग अपेंड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है. और यहाँ पे मैंने करा है कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप में उसे स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोग पहले जो हमारी अपर बॉडी है उसके लोअर रीजन में इस पोर्शन को ऐड कर देंगे.
So now let's move forward. अब देखिए जो फर्स्ट सेगमेंट है मतलब जो टॉप का सेगमेंट है हमें उसे कंट्रोल करना है राइट. तो हम उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है. उसके बाद बाउंड्री चेक करनी है राइट. मैं बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती तो यहाँ बाउंड्री चेकिंग का कोड है कि जो मेरी सेल्फ है मतलब जो प्लेयर है जो स्नेक है वो इन पोजिशन से बाहर नहीं जा सकता ठीक है. तो वो मैंने यहाँ स्पेसिफाई करा है क्योंकि अगर वो इन पोजिशन के पास भी गया अगर वो इतनी बाउंड्री के पास भी गया तो आप क्या कह सकते हो यू क्रैश. आप बाउंड्री के बहुत पास हो आप क्रैश कर चुके हो ठीक है. सो आप वहीं गेम में हार जाओगे ठीक है. चले आगे बढ़ते हैं. अब आप मूव कैसे करोगे जो स्नेक है आप उसे मूव कैसे करोगे. राइट एरो से मूव करोगे लेफ्ट एरो से मूव करोगे अप एरो से मूव करोगे और डाउन एरो से मूव करोगे ठीक है. अब यहाँ पे आपको ऐप उर्सना दिख रहा होगा ये होगा एक नई विंडो को क्रिएट करने के लिए. उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू स्काई का एक बैकग्राउंड डाल दिया है और अब मैं आपको एक बार एसेट्स फोल्डर दिखा दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. यहाँ पे एसेट्स फोल्डर है. एसेट्स फोल्डर में एक तो साउंड है जब भी मैं एप्पल को ईट करूँगी उसकी साउंड एक ब्लू स्काई की इमेज है और एक विसल जब भी मैं बाउंड्री को टच करूँगी या मैं गेम हार जाऊँगी तो कैसी साउंड प्ले होगी यहाँ पे वो भी है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड वन मिनट ठीक है. तो यहाँ पे मैंने हमारा जो ऊपर का बैकग्राउंड है अब देखिए वो तो हमारा स्काई है. स्काई में नहीं खेल रहे हम लोग. मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक बोर्ड होगा राइट. तो ये ग्रे कलर का बोर्ड है और यहाँ पे इसके बाहर है स्काई ठीक है. सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर प्लेइंग. तो यहाँ पे मैंने वो ग्रे कलर का बोर्ड बना दिया है. उसका साइज यहाँ पे 19 मैंने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया है. अब देखिए यहाँ पे ना सिर्फ स्नेक है ना सिर्फ एप्पल है राइट. वी नीड द एप्पल एज वेल राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमने यहाँ पे एप्पल को भी डिक्लेयर कर दिया. अगेन वो एक एंटिटी के फॉर्म में डिक्लेयर हो रहा है. सो वी हैव डिक्लेयर इट इन अ फॉर्म ऑफ एन एंटिटी. मैंने यहाँ प्लेयर को कॉल करा है. मैंने यहाँ पे उसकी बॉडी को कॉल करा है क्योंकि बॉडी में पार्ट्स ऐड होते रहेंगे क्यूब की फॉर्म में. और उसके साथ साथ कैमरा पोजीशंस यहाँ स्पेसिफाई करी है मैंने. कैमरा की रोटेशन यहाँ स्पेसिफाई करी है. और जब भी मैं आपको स्टार्ट करूँगी वो रन मोड में ही होगा ये यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया. और मैं जानती हूँ आप सुपर एक्साइटेड हो इसका आउटपुट देखने के लिए. सो लेट्स चेक इट आउट. तो क्योंकि मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रही हूँ आई वुड बी प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बी. सो लेट्स वेट इट्स रनिंग. देखिए ब्लू कलर का स्काई है. ये जो ब्लैक क्यूब यहाँ पे है ये स्नेक है और ये जो रेड डॉट है रेड सर्कल वो एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है. सो अब मैं अगर अप दबाऊंगी तो देखिए स्नेक मूव हो गया. इट्स वेरी टफ टू कंट्रोल इट. देखिए जब भी मैं एक एप्पल को ईट करूंगी ऊपर लिखा रहा है दैट एप्पल ईटन और मैं बाउंड्री के बहुत पास थी तो यू क्रैश लिखा आ गया क्योंकि मैं गेम हार गई हूँ. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गेम दैट वी हैव क्रिएटेड टुडे एंड आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा. एंड इफ यू गाइज हैव एंजॉयड टुडे सेशन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडे सेशन. थैंक यू.